नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रौनक शाह। आज ट्यूजडे हेल्थ टिप में हम बात करेंगे रिंग वॉर्म्स के बारे में। ये जो रिंग वॉर्म है बहुत ही कॉमन स्किन डिसीज़ है, उसे टीनिया भी कहते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट पे हो सकता है। जनरली ग्रॉइंस, बटक्स, फीट, स्काल्प, पाम्स ऐसे एरिया में होता है, और इवन एनिमल्स को भी होता है, जैसे कि कैट और डॉग को भी ये रिंगवॉर्म अफेक्ट होते हैं। ये जो बीमारी है उसमें रेड ईची एंड स्केली स्किन होती है, रेज एलिवेशंस होता है, और परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है, ब्लिस्टर्स लाइक लीजन्स, और काफ़ी ईचिंग होती है। पेशेंट हर टाइम पे खुजालता रहता है, मॉर्निंग इवनिंग और ज़्यादातर नाइट को होता है। ये कॉन्टेजियस है और इजीली स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की वजह से, कई टाइम एनिमल के कॉन्टेक्ट की वजह से भी होता है। सो सबसे ज़्यादा हमें क्या प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए हमारी स्किन को, हमारे पार्ट्स को, बॉडी के। पसीना कम होना चाहिए, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्लोथ्स बहुत टाइट नहीं पहनना चाहिए, जिसकी वजह से ये बीमारी रुक सकती है। ना होम टिप्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जैसे कि जेठी मध है, वो आपको लेना है 1 स्पून जितना, और 1 कप ऑफ वाटर है उसके साथ, उसको उबालना है, बॉईल करना है, और बाद में स्लो डाउन करके उसको पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बनाने के बाद उसको कूल डाउन करके वो पेस्ट को आपको अफेक्टेड एरिया में दिन में 2 बार लगाना है, जिससे आपका इचिंग कम हो जाएगा, आपके लीजन्स भी कम हो जाएगा। दूसरी जो टिप है, जैसे बहुत ही कॉमन है, टर्मरिक पाउडर एंटीफंगल प्रॉपर्टीज रखते हैं, और जो टर्मरिक पाउडर है उसको पानी में, थोड़ा पानी में लेके पेस्ट बनाना है, और वो भी आप अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो। सो ये दोनों टिप्स बहुत ही इफेक्टिव है रिंगवॉर्म के लिए। होम्योपैथी ऑफर्स द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रिंगवॉर्म्स, क्योंकि कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, 3-4 साल तक वो लोग स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट लेते हैं, मगर उससे फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी लोकल एप्लीकेशंस लगाने से वो सप्रेशन होता है, वो जैसे ही आप लोकल एप्लीकेशन बंद करोगे वापस लीजन्स आ जाते हैं, और वो लीजन्स फिर परमानेंट हो जाते हैं, डिसकलरेशंस ब्लैकिस हो जाते हैं, तो पेशेंट्स बहुत ही फेडअप हो जाता है ये सब ट्रीटमेंट लंबे टाइम करने से। सो होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग दवाई देते हैं, वो परमानेंट क्योर हो सकता है। अगर बीमारी आपको 2 या 5 या 6 साल से है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू फॉर परमानेंट क्योर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।